वहीं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला भिलाई की कार्य समिति की एक दिवसीय बैठक कुम्हारी के मंगल भवन में रखी गई। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राकेश पांडे विशेष रूप से शामिल हुए, साथ ही किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य, समस्त मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, महामंत्री एवं संयोजक व सह संयोजक सहित किसान शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी जिला किसान मोर्चा द्वारा कुम्हारी स्थित मंगल भवन में एक दिवसीय जिला कार्य समिति बैठक आहूत की गयी। बैठक किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष निश्चय वाजपेयी के नेतृत्व में आहूत की गयी थी। बैठक में 10 मंडल अध्यक्षों के साथ उनके कार्य समिति पदाधिकारी की भी उपस्थिति हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश पांडे, जिलाध्यक्ष वीरेंद्र साहू, राहुल टिगरिया, सुरेश चंद्रवंशी, मूलचंद शर्मा, युधिष्ठिर यादव, मनोज तिवारी, अखिलेश यादव, ज्योति शर्मा, नीरा चंद्राकर, प्रीति चंद्राकर उपस्थित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात आए हुए अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ से मंडल पदाधिकारियों द्वारा किया गया। अतिथियों द्वारा अपने उद्बोधन में बताया गया कि भाजपा किसान मोर्चा किसान हितों की लड़ाई के लिए हमेशा आगे रही है। आज जिस प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों के साथ छल किया जा रहा है, उसे पूरे जोर शोर के साथ भाजपा किसान मोर्चा द्वारा जमीनी स्तर पर लड़ा जा रहा है। किसानों से जुड़े हर मुद्दों को भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश स्तर पर आंदोलन कर किसानों के हितों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला भिलाई की एक कार्य समिति की बैठक हुई है। इस बैठक में किसानों की गलत समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने किसानों के लिए जिस प्रकार के वादे किए थे, वादा किसानी के साथ में खाद से लेकर के 20 तक के और 12 के बाद आने तक की जो समस्याएँ होती है, उस पर चर्चा प्रस्ताव पारित किया है। माननीय हमारे महामंत्री जी, प्रदेश किसान मोर्चे के कार्य समिति के प्रदेश के सदस्य और हमारे जिले के उपजावन माननीय निश्चय वाजपेयी जी के नेतृत्व में सर्वसम्मति से प्रस्ताव राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया और संघर्ष की भूमिका तैयार की। जैसे कि चुनावी भी है, आम चुनाव है, इस प्रकार के चुनाव को लेकर किसी प्रकार की तैयारियाँ थी। देखिए, छत्तीसगढ़ में किसानों का जो मुद्दा है वह निसंदेह प्रभावी मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ किसानों के लिए ही जाना जाता है और आज छत्तीसगढ़ में उनसे लगातार छलावा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको गंभीरता से लिया है, अपनी कार्य समिति प्रस्ताव पारित करके जन आंदोलन में प्रदेश में और एक स्तर पे ले जाने के आह्वान किए गए और इसके साथ साथ किसानों की समस्या सरकार जो 3 साल में 3 साल बना दिए जनता इन सभी के बारे में मनन चिंतन करके हम बहुत ही जल्दी प्रदेश स्तर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आएंगे और विशाल रूप से जैसे युवा मोर्चे का कार्यक्रम हुआ, उसी प्रकार के किसान मोर्चा को भी विशाल कार्यक्रम अल्लाह बोर्ड का कार्यक्रम रखेंगे और रखकर के पूरा सभी भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, सभी के सभी किसान को कुछ छलावा किया है, जनता के साथ जो छलावा किया है इसका खुलासा करेंगे और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए घेराव भी करेंगे। किसान मोर्चा द्वारा 50 से अधिक धरना प्रदर्शन राज्य, जिला स्तर व मंडल स्तर पर किए गए हैं, जिससे इस शोषणकारी शासन से उनके किसान रोधी योजनाओं को वापस लेना पड़ा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कुम्हारी से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।